हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मशरूम बटर मसाला। मैंने लिया है 200 ग्राम मशरूम, इसे काट ली हूँ चार हिस्से में। एक शिमला मिर्च, इसे बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ मैं। प्याज को भी मैं बड़े टुकड़ों में काट ली हूँ, अलग अलग लेयर कर दी हूँ मैं। एक रफली प्याज मैंने काट लिया है। तीन हरी मिर्च, इसे मैं काट ली हूँ दो हिस्से में। चार कलियां लहसुन की, हाफ इंच अदरक, इसे भी काट ली हूँ मैं। एक बड़ी टमाटर, इसे भी मैं काट ली हूँ। छह काजू, छह किशमिश। जो रफली प्याज काटा था वो टमाटर, लहसुन, अदरक, काजू को छोटे टुकड़े में करके इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। काजू को भी हम इसमें ही डाल देंगे काट कर। किशमिश, इन सबको ग्राइंड करके हम पेस्ट बना लेंगे। इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। एक टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, चारों तरफ फैला के हम मशरूम को एक मिनट फ्राई करेंगे इसको। वन फोर टीस्पून नमक मीडियम फ्लेम में इसे हल्का एक मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे हम, 1 से 1.5 मिनट। मशरूम ने हल्का पानी छोड़ दिया है इसमें। मशरूम को 1.5 से 2 मिनट हमने हल्का भून लिया है, अभी से हम प्लेट में निकाल देंगे। एक से डेढ़ चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ मैं। शिमला मिर्च, प्याज, इसे भी हल्का मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप मशरूम या शिमला मिर्च, प्याज, इसे आप मक्खन में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिफाइंड तेल में कर रही हूँ। हमने 2 मिनट इसे हल्का फ्राई कर लिया है, अब मैं इसे भी निकाल रही हूँ प्लेट में। गैस को मैंने स्लो कर दिया है। मैंने 1 कड़छी तेल डाला है। आप कम भी तेल डाल सकते हैं। एक टीस्पून जीरा, ये
जीरा हल्का ब्राउन हो गया, अब मैं कटी हुई मिर्च डाल रही हूँ। एक टीस्पून धनिया, हाफ टीस्पून जीरा, हाफ टीस्पून लाल मिर्च, मिर्च मैंने हरा मिर्च भी डाला है इसलिए तेज हो जाएगी, हाफ टीस्पून हल्दी, अब हल्का भून गया, अब मैं पिसा हुआ पेस्ट डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून गरम मसाला, एक से दो मिनट मैं इसे मीडियम फ्लेम में मसालों को भूनूंगी। हाफ टी स्पून कश्मीरी मिर्च, एक टी स्पून नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। धीरे धीरे कड़छी से चलाते रहना है कि मसाला नीचे लग ना जाए। मैंने मीडियम फ्लेम में इसे 3 मिनट तक भूना है। मसाला हमारा भून गया है, अब हम इसमें डालेंगे फ्राई किया हुआ शिमला मिर्च, प्याज, मशरूम, गैस को हमने मीडियम फ्लेम में ही रखा है। मैंने सब सब्जी को मिला दिया है, अब इसमें हाफ कप पानी डाल देंगे। गैस को स्लो करके इसे ढक दे रहे हैं। एक मिनट के लिए हमने ढक के रख दिया है इसे, बात चेक कर रही हूँ। मैंने सिम में गैस को रखा था, अच्छी तरह पक गई है, मसाला भी अच्छी तरह मिल गया है। आप चाहें तो ग्रेवी और सुखाएं। एक चम्मच मक्खन, मक्खन आप 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच भी डाल सकते हैं, मैं 1 चम्मच ही डाली हूँ। सब्जी हमारी बन चुकी है, अब मैं गैस को ऑफ कर दे रही हूँ, इसे 5 मिनट बाद ही सर्व करूँगी मैं। अब ढक दे रही हूँ मैं। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मशरूम और शिमला मिर्च पक गए हैं। फ्रेंड्स मशरूम बटर मसाला बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी बनाएं और खाएं। मशरूम बटर मसाला आप किसी पार्टी किसी ओकेजन में भी बना सकते हैं। ये नान के साथ, रोटी के साथ, किसी भी डिश के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। यदि मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। थैंक यू।